हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसा कि आपने देखा है कि अभी जिस स्थिति में मार्केट आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ दिखाई दिया था, हालांकि पिछला ट्रेडिंग सेशन तो फिर भी ठीक ही ठाक था, लेकिन पिछला एक हफ्ता मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं दिया था। और इस हफ्ते में मार्केट में उतार चढ़ाव भी काफ़ी रहे थे, लेकिन जब कल नया हफ्ता स्टार्ट होगा तो ये स्थिति मार्केट के लिए किस तरीके की बनेगी ये हम देखेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन से शेयर्स हो सकते हैं जिनमें आपको कल एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है मार्केट में, ठीक है। स्टार्ट करूंगा और पिछली क्लोजिंग जो डाउ जोन्स की हुई थी वो दिखाता हूँ एक बार। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हल्की फुल्की तेजी के साथ डाउ जोन्स बंद हो गया था। वहीं नेस्डेक अगर हम देखें तो नेस्डेक हल्की फुल्की या फिर फ्लैट हम बोल सकते हैं। इन्फोसिस अगर हम देखें जल्दी से तो इन्फोसिस में क्या सिचुएशन थी, तो यहाँ आपको गिरावट देखने को मिली थी लगभग 0.5% की। एंड विप्रो अगर हम देखें तो विप्रो में भी आपको 1% की गिरावट दिखाई दी थी। और साथ में HDFC बैंक अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपको हल्की फुल्की तेजी, तो ये हालचाल थे। लेकिन अब बात निकल कर आती है कि ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कल जब मार्केट ओपन होगा तो कौन कौन से वो स्टॉक्स होंगे जिन पर नज़र रखी जानी चाहिए और जिनमें तेजी के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं, तो चलो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों, टाटा मोटर्स पर आप ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि ना यहाँ अगर आप देखें तो इसके जो नंबर्स निकल कर आए थे वो नंबर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिले थे। और ये मान के चलिए आप पिछले क्वार्टर के हिसाब से, या फिर मैं लूँ सेम क्वार्टर लास्ट ईयर के हिसाब से, यहाँ जो प्रॉफिट था उसमें लगभग 3x का इजाफा देखने को मिला, लगभग 3 गुना होता हुआ आपको जो है प्रॉफिट नज़र आया। जिसके चलते उम्मीद पूरी पूरी है कि जब अब कल मार्केट ओपन होगा तो एक बेहतरीन तेजी इस काउंटर में नज़र आ सकती है। साथ में इसके लिए तो वैसे भी मार्केट अभी अगर हम देखेंगे तो बेहतरीन ही चल रहा है। टाटा मोटर्स पिछले कुछ दिनों का अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट भी तोड़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप चार्ट पर जाएंगे तो ये एक लेवल है ब्रेकआउट के, जिसे बिल्कुल तोड़ने के कगार पर ही है। एंड अगर ये मतलब लेवल टूटते हैं जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही टूट जाने चाहिए, तो एक बेहतरीन तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है टाटा मोटर्स में। इसके साथ ही अगर हम देखें टाटा पावर के भी नंबर आए थे, टाटा पावर के अगर हम नंबर आए देखते तो उतने इम्प्रेसिव जो है इसके नंबर तो देखने को मिले नहीं। तो एक्शन तो यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है, टाटा मोटर्स जैसा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको हो सकता है नेगेटिवली इम्पैक्ट देखने को मिले, क्योंकि पिछले क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन गिरावट देखने को मिली है। हालांकि साल दर साल बेसिस पर आपको प्रॉफिट थोड़ी बहुत बढ़ती हुई जरूर दिखाई दी थी, लेकिन अगर ये देखा जाए कि क्वार्टरली बेसिस पर क्या हुआ था, तो क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर जो नंबर है वो अच्छे नहीं आए थे, जिसके चलते यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मेरे हिसाब से तो ज़रूर ही मिल सकती है। इसलिए यहाँ आपको डेफिनेटली नज़र बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम चलें तो निकल कर आता दोस्तों ABB इंडिया, और यहाँ जो प्रॉफिट्स आपने देखे वो डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन देखने को मिले थे। यहाँ जो प्रॉफिट फिगर आए थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो 459 करोड़ का प्रॉफिट आया था 339 के सामने, लेकिन अगर हम सेम क्वार्टर लास्ट ईयर देखते तो 245 करोड़ से बढ़कर आ गए थे। तो लगभग यहाँ पर बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली, डबल के आसपास के नंबर जो हैं यहाँ आपको देखने को मिली। और जब डबल के आसपास के नंबर निकल कर आए तो इसका तो इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा ही पड़ेगा, और ये शेयर एक बेहतरीन तेजी जो है आपको दिखा सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप डेफिनेटली नज़र बना कर रखें। लेकिन एक और शेयर जिसमें आपको एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है दोस्तों, उसका नाम है, वन सेकेंड आपके सामने आ रहा है, कल्याण ज्वेल्स। अगर हम देखें कल्याण ज्वेल्स में देखें 137 करोड़ की प्रॉफिट आई है। कितनी आई है? 137 करोड़ की। पिछला क्वार्टर 180 करोड़ का था, ठीक है, पिछले क्वार्टर के हिसाब से अच्छी नहीं है, लेकिन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर सिर्फ 70 करोड़ था, वहाँ से तो लगभग डबल हो गई प्रॉफिट, तो इसका फर्क आपको यहाँ पड़ सकता है। एंड अगर आप इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखो तो प्रॉफिट आई है 596 करोड़ की, एंड पिछले साल थी 432 करोड़ की। तो यहाँ आप डेफिनेटली नज़र बना कर रखें, लगभग क्वार्टरली बेसिस पर या फिर सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से इसकी जो प्रॉफिट है वो लगभग आपको 82% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। एंड अगर 82% की प्रॉफिट बढ़ी है
तो इसका इम्पैक्ट श्योरली आपको जो है दिखाई दे सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक अच्छी तेजी इस काउंटर में आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ आप जरूर अपनी जो है नज़र बनाकर रखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो आयशर मोटर्स आपको देखने को मिलता है दोस्तों। आयशर मोटर्स पर आप श्योरली नज़र बनाओ, क्योंकि पिछला ट्रेडिंग सेशन इसका अच्छा था लेकिन नंबर तब आए नहीं थे क्लोजिंग के समय तक, लेकिन जब नंबर निकल कर आए तो नंबर इसके काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले। अगर हम नंबर्स देखें कि आखिरकार कितने आए, तो 1070 करोड़ की प्रॉफिट एंड सेम क्वार्टर लास्ट ईयर सिर्फ 906 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ से यहाँ पर जो है प्रॉफिट आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिला, लेकिन एग्जैक्ट जो ग्रोथ है वो आपको देखने को मिली साल दर साल पर, जो 4001 करोड़ की प्रॉफिट आई एंड लास्ट ईयर 2914 करोड़ की प्रॉफिट थी। तो अगर आप आयशर मोटर्स देखोगे तो एक बेहतरीन यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिले। साथ में कंपनी ने 51 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है एंड जब नंबर भी अच्छे आए हैं, डिविडेंड भी अच्छा दिया है, तो डेफिनेटली उसका असर तो आपको श्योरली जहाँ तक है पड़ता हुआ देखने को मिल ही सकता है। इसके बारे में मतलब चांसेस तो श्योरली काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कुछ शेयर हैं जिन पर हम बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, उनमें अगर हम देखें तो आयशर मोटर उन शेयर्स में से आपको एक दिखाई देता है। तो इस पर तो आप श्योरली अपनी नज़र ज़रूर बनाकर रखेंगे। लेकिन अब जो नंबर आने वाले हैं इस हफ्ते, उनमें आपको बहुत सारे नाम देखने को मिलेंगे, लेकिन IRFC पर फोकस रहेगा। IRFC पे आप डेफिनेटली फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ इसके जब नंबर आएंगे तो उम्मीद ये है कि इसके नंबर अच्छे आ सकते हैं, अच्छे की उम्मीद हम डेफिनेटली करके चल सकते हैं। अब आएंगे किस तरीके के वो तो अलग बात है, लेकिन उम्मीद तो डेफिनेटली अच्छे की है। और साथ में यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, उसके हिसाब से भी शेयर पर आपको डेफिनेटली अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। तो IRFC वैसे भी लोगों के बीच फेमस या फिर मैं बोलूँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शेयर है, लेकिन अभी तेजी का माहौल बना नहीं है उतना। लेकिन अगर हम देखें नेक्स्ट शेयर जिस पर बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, वो है दोस्तों वोडाफोन आइडिया। अगर हम वोडाफोन को देखें तो यहाँ पर अभी रिसेंटली इसी हफ्ते सिटी ग्रुप ने यहाँ पर टारगेट दिए दोस्तों 25 रुपये के। 25 रुपये के डेफिनेटली एक शानदार टारगेट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। और अगर ये टारगेट आ जाते हैं 25 रुपये के टारगेट, जैसे देखो अभी टारगेट ही दिए हैं, अभी तो आ नहीं गए, लेकिन एक तो यहाँ पर 1,00,000 करोड़ की नई फंड रेजिंग की बात चल रही है, साथ में सिटी ग्रुप ने एक बड़े टारगेट भी दिए हैं, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है और एक बड़ी तेजी जो है आपको यहाँ देखने को कल भी मिल सकती है। तो इन शेयर्स पर आप नज़र जरूर बना कर रखें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।